गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मैंक मैथमेनिया यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। टुडे वी विल डिस्कस क्लास 9th एल्जेब्रिक आइडेंटिटी चैप्टर, इन विच वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। आपको इसी से पता चल रहा है कि किसका होल क्यूब करना है, और ध्यान दीजिए यहाँ पर हिंट भी दे रखा है। इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो सकता था क्या? नहीं ना। तो 3x - 2y = 11, तो आप लिखोगे क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में घन कर लेगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में अगर आप क्यूब कर दोगे बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, 3x - 2y = 11। तो ये क्या हो जाएगा, 27x³ - 8y³ - 3 × 3x × 2y। ठीक है, और 3x - 2y = क्या, 11³ = 1331। ठीक है, देखिए यहां से ये वैल्यू मिल गई ना जो मुझे पता करना था। तो 27x³ - 8y³, अब यहां देखो 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18। एक्स वाई, क्या मैं एक्स वाई की वैल्यू डायरेक्ट यहां से 12 ना रख सकूं, रख देता हूं। ठीक है, क्यों काम एक स्टेप बढ़ाऊं, ये 12 है। ठीक है, यहाँ क्या हो गया बेटा, 12। फिर देखिए 3x - 2y की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, आप कहोगे 11 रख सकता हूँ, बराबर क्या, 1331। तो आप देखोगे 27x³ - 8y³, अब 18, 12 और 11 का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, समझ रहे हो? तो आप कहोगे इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा 11 और 12 का, अगर आप करोगे तो 132 आता है, 11 × 2 = 22, 11 × 11 और 11 × 2 = 13, तो 132 और गुड़े 18, 18 × 2 = 36, 18 × 3 = 54, 57, 18 × 1 = 5, 23। तो आप देख रहे हो 2376 यानी 2376 ये मान आया है। ठीक है, बराबर कितना, 1331। तो अब देख लीजिए यहाँ से सारी चीजें एकदम क्लियर है। आपको ये चीज पता करना था तो मुझे क्या कर ले रहा हूँ, यही लिख ले रहा हूँ, ये उधर जाएगा 1331 + 2376, 6 1 7 7 3 10, 1 आया 4 4 3 7 2 1 3, तो 3707 आया। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, ये आपको क्या करना चाहिए, पता करना है, आसान सा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो इसको दो तरह से लगा सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से लगा सकते हैं, हम केवल एक तरीके से लगाएंगे, दूसरे तरीके से आप मुझे लगा के दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं डायरेक्ट इस पे फार्मूले पे ही आ जाता हूँ कि a³ + 1/a³। ठीक है, इसका जो मान होता है वो क्या होता है, तो आप कहोगे इसका मान होता है a+1/a, एक ब्रैकेट में a² + 1/a² - a × 1/a। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये मुझे पता करना है, तो a+1/a क्या मुझे पता है, ये तो क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, क्या हमें पता है कि a+1/a का मान, नहीं पता है, तो ये वाली वैल्यू इसीलिए दे रखी है कि आप पता कर सको। ठीक है, तो इसको यहीं पे फार्मूला लिख लेना, लिखने के बाद सबसे पहले इसका जतन करना कि मैं कैसे ये वैल्यू पाऊं। तो आप देखिए a² + 1/a² = 98 दे रखा है, आप हमको बताओ a+1 चाहिए, ये कैसे बन सकता है। तो आप समझ सकते हो अगर ये a+1/a का होल स्क्वायर बन जाए तो पॉसिबल है, तो यहाँ पर कैसे बन सकता है वो चीज, तो आप कहो कि अगर मैं इसमें 2 ऐड कर दें तो 2 इधर भी ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो ना इंसाफी हो जाएगी भाई इस साइड, 98 और 2 100 हो जाएगा, जबकि यही 2 है। तो आप देखिए थोड़ी देर के लिए 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × a × 1/a, तो a से कट जाएगा, 2 ही तो बचेगा ना, तो यानी +2 लिख लेने से ही हमारी बात सही हो जाएगी कि 2a × 1/a लिखा है, भले मैं ना लिखूं। ठीक है, तो a+1/a हो जाएगा। ठीक है, किसके बराबर, 100, और ये फार्मूला है होल स्क्वायर का कि a+1/a का होल स्क्वायर करके देख लीजिए, यही वैल्यू ना आए तो बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ से a+1/a बराबर बेटा क्या हो जाएगा, √100, √100 का मतलब 10। ठीक है,
अब यहां से मुझे ये पता चल चुका है कि ये जो वैल्यू है वो उसका मान क्या है 10 है, तो मैं यहाँ पे 10 रख दे रहा हूँ गुणे में ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, इसका मान क्वेश्चन ही में 98 दे रखा था, ए से ए कट गया माइनस 1 हो गया। आप देख क्या रहे हो कि 10 गुणे 98 में एक कम होगा 97 और 97 और 10 का गुणा 970, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, अब आइए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, इसी तरह है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 जो है लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर का मान दे रखा है, कितना वैल्यू 51 है। ठीक है, और यहाँ पर क्या चाहिए, ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब था तो सब कुछ वैसे ही। ठीक है, बस आप लगाना चाहते तो लगा सकते थे, फिलहाल मैं बता रहा हूँ। फिर से आइए इस पर, इसको भी दो तरीके से लगा सकते हैं, जिसमें से मैं एक को डिस्कस करूंगा कि ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब मुझे चाहिए तो मैं इसका सीधा फार्मूला लगाता हूँ, एक तरीका तो ये है। ठीक है, दूसरा वाला बड़ा हो जाता है इसीलिए मैं उसको नहीं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, उसको आप लोग दिखा सकते हैं तो दिखाइएगा। ठीक है, और ये आप देखिए, अगर ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब का फार्मूला होता है तो इस साइड तीनों ही क्या होंगे, दोनों तीनों ही टर्म प्लस में रहेंगे। ठीक है, ए इंटू 1 अपॉन ए, तो ये चीज हो गई। अब इसमें से आपको क्या नहीं पता है तो आप कहोगे मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता, इसी की वैल्यू निकालने के चक्कर में यहाँ पर आ जाइए। ये बताइए, अब मुझे यहाँ पे माइनस चाहिए, वहां पे प्लस चाहिए था, अब यहाँ पे माइनस चाहिए तो इसका मतलब मैं क्या करूँ, इसका होल स्क्वायर कर लूँ और ये माइनस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर निकल आएगा। तो यहां से मैं क्या करूंगा, 2 यहाँ सब्सट्रैक्ट करूंगा, 2 यहाँ करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 49, और ये क्या हो जाएगा ए माइनस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा, ए माइनस 1 अपॉन ए बराबर अंडर रूट 49, जो कि क्या हो जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ से आप पता कर लिए कि ए माइनस 1 अपॉन ए का मान क्या है 7 है, तो आप इसमें रख दीजिए। ठीक है, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, आप जान रहे हो इसमें क्वेश्चन में 51 मान दे रखा है तो वो रख दीजिए, प्लस ए से ये कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 52 इंटू 7। तो आप देखोगे 7 टू जा 14, 1 आया 7, 5 जा 35 और 1 36, तो आप देख रहे हो 364, यही क्या हो जाएगा आंसर। तब तक के लिए थैंक यू।